है, जो दिल में है वो जबान पे है, और घबराती नहीं है अपनी रियलिटी सामने रखने से, और बिग बॉस है वो। सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरा नाम है गणेश कांडू और स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में। सबसे पहले राधर देन कुछ और बात करने से पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा, कैसे हैं आप? आई एम गुड, गॉड इज काइंड एंड मजा आ रहा है। सर अभी जो खबरें आ रही हैं, 2 साल बाद आप कमबैक कर रहे हो, तो इस 2 साल बाद क्या धमाका लेकर आ रहे हो सबके लिए? देखो, 2 साल के बाद मेरा कमबैक है और अपने खुद के प्रोडक्शन हाउस के साथ है, तो ये दो गुड न्यूज हैं। एक तो मैं दोबारा स्क्रीन पे आ रहा हूँ और अपने प्रोडक्शन के साथ आ रहा हूँ, तो ये डबल धमाका है। एंड बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे अपने खुद का ये गाना। ये ऐसा लग रहा होगा कि अरे शो ऑफ कर रहा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, पर ये सच है तो मैं क्या करूं। आई लाइक माई सॉन्ग। वैसे सर ये प्रोडक्शन हाउस खोलने का आइडिया कहाँ से आया, मतलब कि आप खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं? यार इंसान को जब बड़े सारे धोखे मिल जाते हैं ना, तो फिर तो वो अपनी पे आ जाता है, अपनी असलियत पे आ जाता है, और ये मेरी असलियत है, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं कभी हारता नहीं हूँ। मेरा गाना भी इस पे बेस्ड है, मैं हारा नहीं हूँ। आ रहा नहीं। कोविड के बाद, जो लास्ट मैंने कोविड से पहले सीरियल किया था मुस्कान, मुस्कान, हाँ उसके साथ साथ मैंने एक वेब सीरीज भी करी थी, Zee5 प्रीमियम पे है, लव बाइट्स, एंड उसके पहले बिग बॉस, और उसके पहले सरकार की दुनिया, शोज तो हमेशा से चलते ही रहे हैं। तो कोविड के बाद से मुझे काम मिलना कम हो गया, कम। एंड किसी के पास काम नहीं था कोविड के दौरान। तो जब कोविड खत्म हुआ और इंडस्ट्री वापस आई अपने फॉर्म में, तो वो जो टॉप में चलते हैं इंडस्ट्री में लोग, उन्हें ही दोबारा काम मिलने शुरू हुए। प्रोड्यूसर्स ने लोगों के पैसे घटा दिए और अपनी शर्तों पे लोगों से काम कराने लग गए, क्योंकि उन्हें दिख गया कि सब खाली है, किसी आर्टिस्ट के पास कोई काम नहीं है। आधे से ज्यादा आर्टिस्ट बॉम्बे छोड़ के अपने अपने शहरों में भी चले गए थे, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि सही सही बॉम्बे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लोग कोविड के दौरान, काम नहीं था लोगों के पास, पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो इस चीज का बड़ा एडवांटेज उठाया प्रोड्यूसर्स ने, और जिनको समझ लो आप 30,000 35,000 रुपए पर डे देते थे, उनको लाने लग गए 15,000 रुपए। तो सबके रेट इन्होंने आधे कर दिए, और मैं उनमें से था जो इस बात का हिट था। मुझे काम मिलना कम हो गया और अपनी मर्जी का काम नहीं मिलने लगा। तो मैं किसी की मर्जी पे डिपेंड करता नहीं हूँ बॉस लाइफ में। तो मैंने सोचा कि अपनी पसंद की स्क्रिप्ट, अपने पसंद का डायरेक्टर, अपने पसंद का डीओपी और अपने पसंद का काम करो। तो मैंने यही किया, मैंने खुद को काम दे दिया, ये आइडिया बहुत यूनिक था कि मैंने खुद को ही काम दे दिया खुद को सर। काम देना जैसे है बॉस, दिक्कत क्या है, नहीं चाहिए कोई, खुद कर लेंगे हम। अभी मैंने आपके गाने का नाम सुना तो कहीं ना कहीं ये एक चीज तो समझ में आ गई कि मोटिवेशन ही है, हारा नहीं। लेकिन हारा नहीं की बैक स्टोरी जानना चाहता हूं मैं, कि मतलब इसमें आप किस चीज पर बात कर रहे हो, आप क्या बता रहे हो इस सॉन्ग में? मैं इस सॉन्ग में एक आर्टिस्ट के अंदर की मन की स्थिति बता रहा हूं, जब उसके पास काम नहीं होता तो वो किन अप्स एंड डाउन्स के साथ गुजरता है अपने दिल में, अपने दिमाग में, और वो कैसा फील करता है, पर हारने लगता है, पर हारते हारते भी उसके अंदर का जो आर्टिस्ट है ना, वो नहीं मरता कभी, आर्टिस्ट हमेशा जिंदा रहता है अंदर से। तो यही मैं एक एक डार्क साइड ऑफ आर इंडस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, कि देखो सडनली जब फेम घटने लगता है, सडनली जब पैसे घटने लगते हैं, सडनली जब आर्टिस्ट को काम नहीं मिलता, तो उसका क्या हाल होता है, वो किस दौर से गुजरता है, पर उसके अंदर का आर्टिस्ट हमेशा जिंदा रहता है। तो दिस इज द मतलब आइडिया बिहाइंड द सॉन्ग। ओके लाइक सर, 2 साल तक पहले तो आप, मतलब 2 साल के बाद आप कमबैक कर रहे हो, तो इन 2 सालों में आपने क्या क्या चीजें फिगर आउट की और क्या क्या चीजें आपने नई सीखी, और बेसिकली क्या वो सीख थी जो इन 2 सालों में आपको मिलेगी जिसके बाद आपने सोचा कि आप खुद का ही प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं? 2 साल में मिले बहुत सारे धोखे, अच्छा मतलब उन धोखों की धोखे। वजह से आज ही प्रोडक्शन हाउस खोला मैंने। धोखे ओके और सर मिले एज जैसे इन, अब आप कहेंगे कि क्या धोखे मिल गए, तो धोखे ऐसे मिले कि पूछ रहे हैं मैंने आप, एक फिल्म साइन करी जिसके लिए मुझे 6 महीने इंतजार कराया गया और कोई काम नहीं लेने दिया गया, 6 महीने रिहर्सल कराई गई, और 6 महीने बाद उस फिल्म को स्क्रैप करके फेंक दिया, वो फिल्म कभी शूट ही नहीं हुई।
उसके बाद 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ इन 2 सालों में, मैंने मुझे टीवी सीरियल मिला, मैं सेट पे पहुंचा शूटिंग करने के लिए, और तो मेरी जगह कोई और शूटिंग कर रहा था बॉस। तो देन आई रियलाइज नहीं यार, ये तो बहुत ही अनसर्टन लाइफ है, इतनी अनसर्टनिटी मुझसे नहीं झेलेगी। मैंने सोचा छोड़ो अपना ही काम करो, इसलिए अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और खुद को काम दे दिया। खुद तो धोखा मतलब नहीं करूंगा ना अपने साथ। ये तो सही बात है। ये आपकी बात सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज पर अगर खुलकर बोलो थोड़ा सा, इंडस्ट्री में जो आप जैसे आपने कहा कि पावरफुल लोग हैं वो दबाते हैं नीचे, और ये जो नेपोटिज्म वाला पार्ट है, ये इसके पीछे की क्या वजह है या किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है कि वे नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नीचे दबाने वाली तो ऐसी कोई बात है नहीं, पर मैं ये जानता हूं कि जो स्टैब्लिश्ड लोग हैं ऑलरेडी, उनके पास ही ज्यादा काम है, उनको ही काम मिलता है, अपनी शर्तों पे मिलता है, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो सेट पे, डजेंट मैटर, चाहे वो वर्स्ट बिहेव आर्टिस्ट हो, पर अगर वो उसका नाम है, वो स्टैब्लिश्ड है, उसके पास ऑडियंस है, तो उसे ही काम मिलता है, ये तो पक्की बात है। और रही बात नेपोटिज्म की, यार नेपोटिज्म तो देखो भाई है और होगा भी। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर का बिजनेस है, तो मेरे फादर अपना बिजनेस मुझे ही देके जाएंगे ना यार, सही वो बात है। आपको दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। और आपके फादर भी किसी और को नहीं देंगे, आपको ही देंगे, राइट? तो ये राइट जो राइट इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनके फैमिलियों ने इतने सालों से यहाँ मेहनत करी है, अपना नाम बनाया है, वो अपने बच्चों को ही तो देके जाएंगे। नेपोटिज्म, अगर इसको नेपोटिज्म बुलाते हो तो हाँ है। है। अब देखो ना, आप फॉर एग्जाम्पल वरुण धवन को ले लो, अपने डैडी की फिल्म्स करते हैं ना सारी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब ही सब सुपर आर्टिस्ट अपने डैडी की कर रहे हैं ना। पर सलमान खान को ले लीजिए, वो भाई भी अपने प्रोडक्शन में ही काम करते हैं ना, SKF में, सब लोग अपने लिए ही तो करते हैं, और इसमें गलत क्या है? सब लोग अपने लिए करते हैं, तो अब पुनीत शर्मा भी वॉल्यूम अप के लिए काम करेगा, अपने लिए काम करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि काम मिलेगा तो नहीं करूंगा बाहर, बिल्कुल करूंगा, पर यहां भी करूंगा। सर इसके जैसे अभी आपने जैसे ये म्यूजिक वीडियो आ रहा है, तो इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके पाइपलाइन में है, या फिर वो सारी चीजें जो आप प्रोजेक्ट आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्या क्या हैं, या क्या क्या आप लेकर आ रहे हो नए सरप्राइजेस? ब्रदर, ये म्यूजिक वीडियो तो हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया है कि देखो हम ऐसा काम भी कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रहेगा। हम इसमें 1.5 से 2 मिनट के, 2.5 मिनट के, 3 मिनट के ऐसे क्लिप्स बनाएंगे जो बहुत एंटरटेनिंग होंगे, जिसमें कॉमेडी होगी, जिसमें थोड़ा थ्रिल होगा, एंड एक जगहों जगहों की स्टोरियां होंगी, रियलिटी, असली स्टोरियां होंगी लोगों की। ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की तरह हम इसको प्रमोट करेंगे। हाँ, और शॉर्ट फिल्म्स भी बनाएंगे, और धीरे धीरे देखो वेब सीरीज भी बनाएंगे OTT के लिए। एंड अभी तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग 60, 70, 80, 100 क्लिप्स बनाएंगे, और वो रील्स नहीं होंगे बाय द वे, वो रील्स की तरह नहीं है, दे विल बी प्रॉपर शॉर्ट क्लिप्स, बहुत अच्छी तरह शूट हुए हुए, ढंग के कैमरे से शूट हुए हुए, और ढंग की जगहों में जाकर अच्छी लोकेशंस में शूट हुई हुई असली कहानियां, इनको हम बना के अपने ही प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, जिसका नाम है वॉल्यूम अप। यूट्यूब चैनल है हमारा और कंपनी का भी वही नाम है। एंड ऐसे स्टार्ट करेंगे, और देखो फिर महादेव कहाँ ले जाएंगे। महादेव तो ले ही जाएंगे। मेरा एक और सवाल था आपसे, जैसे आपने कहा था कि मुंबई लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा ये हो गया था, लाइक टफ हो गया था मुंबई में रहना, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपका आउटलुक मुंबई को लेकर वैसा ही है क्या? मतलब आप भी मुंबई से दूर हो या आपने मुंबई छोड़ने का डिसीजन ले लिया?